दोस्तों, मैं यदु यादव आप सभी का रिस्पा एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं दो क्वेश्चन मनोविज्ञान से संबंधित लेकर आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे क्वेश्चंस। वो यूपी टेट, सी टेट या शिक्षक भर्ती, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखते हैं दोस्तों वो दो क्वेश्चन कौन से हैं। मैं कोशिश करूंगा हर दिन आपके लिए मनोविज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकूं। उसी क्रम में दोस्तों देखें, आज हमारे द्वारा आप दो क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, अधिगम से संबंधित है। पहला ऑप्शन व्यवहार ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान लिखा हुआ है, इसे ज्ञान पढ़ा जाएगा ज्ञान करके, ठीक है, इसे ज्ञान पढ़ना भी ठीक है। सी ऑप्शन, अनुभव, राइट। और डी ऑप्शन है दोस्तों, सीखना। दोस्तों बहुत ही प्यारे दो क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएंगे, आने की भी गुंजाइश होगी इनकी। दोस्तों दिमाग लगाइए इसका आंसर क्या होगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर राइट करता हूं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन राइट करता हूं, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन ई ऑप्शन, पदानुसरण। नंबर बी ऑप्शन, परिपक्वता। और सी ऑप्शन दोस्तों, पदानुसरण, परिपक्वता। और इसी तरह से मैं आपको और बताऊं यहां पर, जैसे तीसरे ऑप्शन में दोस्तों, जैसे वृद्धि आप ले लें यहां पर, ठीक है, वृद्धि ले लें। और ये जो डी ऑप्शन है आपके सामने मैं यहां पे रखता हूं दोस्तों, प्रशिक्षण। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, अधिगम से संबंधित है, व्यवहार ज्ञान अनुभव सीखना, अधिगम के लिए आवश्यक है, बात वही है दोस्तों। पहला ऑप्शन पदानुसरण, परिपक्वता, वृद्धि और प्रशिक्षण। तो दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर यहां प्रोवाइड करूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है क्या सही होगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको जरूर देखूंगा, दूंगा आपको। तो मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताता हूं दोस्तों, इसका आंसर होगा ओनली प्रशिक्षण। अधिगम के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, प्रशिक्षण। पदानुसरण, परिपक्वता, वृद्धि आवश्यक नहीं होती है दोस्तों। पदानुसरण का मतलब मैं आपको बता दूं, पदानुसरण का मतलब होता है दोस्तों, जब पहली बार बदक का बच्चा जिसे देख लेता है वो उसे अपनी मां मान लेता है, तो इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, ये अधिगम में काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों परिपक्वता, ये भी स्थायी व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है, इसलिए ये आपका अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसी दोस्तों वृद्धि भी स्थायी परिवर्तन व्यवहार में नहीं ला पाती है, तो ये भी अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो स्थायित्व ले लेता है, तो इसलिए अधिगम के लिए आवश्यक क्या होगा दोस्तों, प्रशिक्षण, राइट। तो हम आपके लिए पहला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।